बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के रंगमंच के कलाकारों द्वारा नाटक के दौरान लगभग 1,00,000 गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुल्क लिया जाता है, जिसे कम करने की मांग को लेकर कलाकारों ने सदर सांसद रविकिशन शुक्ला को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर सदर सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में कलाकारों की पीड़ा को लाते हुए इस जायज मांग को पूरा करने के लिए मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने मिनी ऑडिटोरियम को केवल 25,000 रुपये शुल्क पर कलाकारों को मुहैया कराने की बात कही है, जिस पर सदर सांसद ने GDAVC को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया, मेरी बिरादरी है और वो बहुत गरीब होते हैं रंगमंच के, मैं रंगमंच का कलाकार हूँ, पैसा होता नहीं, हम जानते हैं। तो उन लोगों ने जब कहा 1,00,000 रुपया ज़्यादा, हमने पूज्य महाराज जी को चिट्ठी लिखी थी, महाराज जी का आशीर्वाद है, रंजन जी, प्रेम रंजन जी जो GDA के VC हैं उनको धन्यवाद कि उन्होंने हम कलाकारों की बात सुनी, मैं सबको साधुवाद देता हूँ।